यूरोपियनों ने भी दृष्टि डालना शुरू किया था। वो दूरंदेशी व्यक्ति ने उस वक्त नाप लिया था कि नौसेना नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता, इतना लंबा सागर किनारा जिस देश को है उसको सुरक्षित करना। मित्रों, इसी सिंधु द्वीप की भूमि पर विकास के एक के बाद एक के बाद एक काम निरंतर करने का अगर किसी को यश प्राप्त है तो श्री नारायण रानी जी को प्राप्त है। नारायण रानी जी की छवि कई प्रकार से कई लोग वर्णन करते हैं, मगर मैं उनको देखता हूं कि जहां पर भी अन्याय होता है वहां अन्याय के खिलाफ खौफ रखे बगैर डर रखे बगैर संघर्ष करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण है सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि जो अपने अन्याय के सामने नहीं लड़ सकता वो जनता के अन्याय के सामने कभी नहीं लड़ सकता। राणे साहब के जीवन में जब कभी भी अन्याय के मौके आए तब उन्होंने निश्चित रूप से भविष्य की सोच करे बगैर अन्याय का सामना किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया और इसीलिए इनकी राजनीतिक यात्रा बहुत टेढ़ी मिली। मुझे भी कुछ पत्रकारों ने कहा कि आपके यहां भी अन्याय होगा तो क्या होगा, मैंने बोला हम अन्याय करेंगे नहीं सम्मान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि राणे साहब जैसे नेता को किस प्रकार से सम्मानना और किस प्रकार से सम्मान देना। बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व है जिसने इस क्षेत्र के विकास के लिए, आधारभूत सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए, सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और अब इतने बड़े अस्पताल बनाने के बाद 150 सीटों के साथ का मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। यहां से सिंधु द्वीप से युवा मुंबई की ओर, गोवा की ओर, कोल्हापुर की ओर और बहुत पढ़ लिख जाए तो पुणे की ओर जाता था, वो युवा यहीं पर रह जाए कोंकण में। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये पूरा कोंकण प्रदेश बहुत लंबे समय तक उनको याद रखेगा। मेडिकल कॉलेज के बारे में प्रस्तावक महोदय ने बहुत सारी बातें की है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक ही बात का मैं राणे साहब को आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी लाइब्रेरी मैंने आते वक्त देखी, बाहर से देखी मतलब बहुत सुंदर मकान आपने बनाया है। मेरा आपसे आग्रह है कि सिर्फ मेडिकल के रिलेटेड पुस्तक इसके अंदर न रखिएगा, देश का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक भी रखिएगा जिससे बच्चे ये समझ पाए कि आज कितनी पीढ़ियों के संघर्ष के बाद खड़े हैं, कितनी पीढ़ियों के बलिदान के बाद आज हम यहां पर पहुंचे हैं, ये बच्चे समझ पाए। इसलिए लाइब्रेरी को बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी बनाइए, ऐसी मेरा आपको विनंती है और इसमें कहीं पर भी मेरी मदद लगती है तो आप जरूर मुझे कह सकते हैं कि मैं प्रवृत्ति लाइब्रेरी की पुस्तकों ने ही मुझे बनाया है। इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि लाइब्रेरी जितनी भी बढ़ती है इतनी देश की युवा पीढ़ी ज्यादा तरक्की करती है। मित्रों, आज मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन है और ये सभी बच्चे जो यहां पर हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप बहुत उचित समय पर मेडिकल के अंदर एडमिशन लेकर डॉक्टर बनने की शुरुआत करें, क्योंकि आज तक इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी ने दूरदर्शिता के साथ एक के बाद एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ाने का नहीं सोचा। 130 करोड़ के देश के अंदर हेल्थ सुविधाएं बिल्कुल चरमराई हुई, काफी लोगों को इसका एहसास था, जो WHO के रिपोर्ट को पढ़ते थे, इसका एनालिसिस करते थे, सबको एहसास था। परंतु जब कोरोना आया तो पूरे देश को एहसास हो गया, क्योंकि अनुमान लगने लगे कोरोना जैसी महामारी जिसका इलाज ही नहीं है और जितनी तेजी से फैलती है तो भारत देश का क्या होगा। दो कारण,
एक तो 130 करोड़ की आबादी और दूसरा कारण वहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक। तो परंतु मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की लड़ाई यूनिक प्रकार से, गलत प्रकार से, और दुनिया अब इसको मॉडल समझती है इस प्रकार से। जन जन को लॉकडाउन के जोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, आत्मबल बढ़ाने के लिए दिया प्रगटाने का ऐलान किया गया, घंटी बजाने का ऐलान किया गया, सब कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए इनके सम्मान की बात को आगे ले गए, और जहां दो लेबोरेटरी थी 2200 से ज्यादा लेबोरेटरी और टेस्टिंग की पूरे भारत में है, इतने रॉकेट स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया। हम मास्क नहीं बना पाते, पीपीई किट बना नहीं पाते, वेंटिलेटर इंपोर्ट होते थे, आज मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर ये 6 महीने के कालखंड के अंदर ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर कोई एक देश है तो अपना हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे तरीके से लड़े और हमने देखा है जिनका बड़ा नाम था डेवलप कंट्री के नाम से, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, लाइन हमने रोड पर देखी है, रोड पर इसको बॉटल में दवाइयां दी जाती थी, हमने देखा है उसको। भारत के अंदर कहीं पर भी ऐसा दृश्य नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉकडाउन के कालखंड में हमने मजबूत किया, लॉकडाउन से पहले महामारी को फैलते हुए रोका, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, लॉकडाउन था, थोड़ी महामारी फैली तो उससे लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर भी तैयार थे, हमारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ भी तैयार था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार। इसका नतीजा क्या है? दुनिया भर में बड़े देशों में सबसे कम मृत्यु का दर अगर किसी देश का है तो अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली का नहीं है, मेरे और आपके देश भारत का है। सबसे ज्यादा रिकवरी करने वाले देशों में अगर कोई है तो भारत है, और मुझे भी कोरोना हुआ था, थोड़ा ज्यादा ही रोल लग गया, काफी लोगों को आनंद भी होने लगा, परंतु मैंने उस वक्त डॉक्टरों के साथ चर्चा बहुत की, बहुत क्या करता अस्पताल में था, तो उन्होंने जो यहां रिसर्च पेपर तैयार करे, एक्सपेरिमेंट करे, वो एक्सपेरिमेंट को दुनिया के 170 से ज्यादा देशों ने एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया और अपने देश के अंदर भारत की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को एडॉप्ट करके लड़ाई जो हमारे डॉक्टर्स लड़े हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लड़ा है, वो लड़ाई के लिए जितनी जितनी बधाइयां हम उनको दे वो कम है, वो लोग बधाई के पात्र हैं। इधर उधर ये वो करते करते एक ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि जिसने लगभग लगभग 1% पर मृत्यु दर को ला दिया वो भी आगे वाला, अब तो 1% भी नहीं रहा, 0.25% के नीचे चला गया। और देश भर में जिस प्रकार से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई इसमें हम सफल ही हुए इसका एक ही कारण है,